दोस्तों, हम सभी का ये प्रयास होता है कि हम सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमारी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हों। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारी दशाएं, हमारा परिवेश, हमारा जहाँ जन्म हुआ है, जिस परिवार में हुआ है, वो सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं हमारा भविष्य कैसा होगा या हमारा जीवन कैसा होगा। हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध, इस जन्म में किए जाने वाले कर्म, ये सभी हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। क्या आपका नाम भी आपके लिए भाग्यकारी है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा तथ्य है जिसे हम नकार देते हैं। क्योंकि जिस नाम से हमको पुकारा जाता है या जो नाम हमारा माँ बाप रखते हैं, वो नाम हमारे लिए कितना भाग्योदयकारी है, यानी हमारे भाग्य को बढ़ाने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उसके लिए भाग्य का कारक हो जाता है, उसका भाग्य उसके आगे आगे चलने लगता है बिना किसी बहुत अधिक मेहनत के। मेहनत तो फिर भी करनी होती, लेकिन कम प्रयासों के बावजूद उसको जल्दी जल्दी सफलता मिलती जाती है। लेकिन यही कहीं नाम आपका किसी शत्रु राशि में बैठा हो या 6-8-12 में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति एड़ियाँ रगड़ता रह जाता है। हर कार्य में उसको दिक्कतें होती हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, मन खराब रहता है, घर में कलह का वातावरण रहता है। इसके साथ ही भाग्य कभी उसका साथ ही नहीं देता है, धन की कमी हमेशा उसके जीवन में बनी रहती है, रोग ऋण कर्जे से वो व्यक्ति हमेशा दबा ही रहता है, सारा जिंदगी उसकी मानसिक अशांति में निकल जाती है। ये 100 नहीं 150% सच बात है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर इसका अध्ययन करने के बाद जब मैं उनको इनकी रेमेडीज दी, इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला, लोगों को ने बताया कि अब काफ़ी कुछ हमारा बदल चुका है। तो ये आज एक मैं आपको राशि अनुसार बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा भाग्योदयकारी शब्द है जिसे आप अपने हाथ पर लिखकर अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं, अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं डेली आपको अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। ये भी कहीं ना कहीं आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं और आपके भाग्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आप इन्हें भी करेंगे ना, लेकिन लगातार करेंगे, ऐसा नहीं 4 दिन करें और 4 दिन छोड़ दें, तब आपके लिए कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव वे, यानी कि पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में आप करते चले जाते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे ना आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, पहले मैं अपना परिचय दूँ। मैं आपकी एशोदोस एश्वर्याशना गुप्ता, अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी, वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, मैं ऐसे ही आपको सरल उपाय देती हूँ जिसमें आपका कोई खर्च नहीं होता, सिर्फ खर्ची होती है तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपकी भावना है। और इतना तो हम लगा ही सकते हैं अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा पाना है तो इतना तो हमें करना भी होगा। बिना करे तो एक बच्चा रोता रहता है, रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध भी नहीं देती है, बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध देती है, जब आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तभी ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। तो इतना तो अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए आपको करना ही होगा। भूख लगी है तो खाना भी आपको बनाना है, तभी आपका पेट भरेगा, सामने खाना रखा भी रहे जब तक आप कौर नहीं तोड़ोगे पेट नहीं भरेगा। सो कहने का मतलब है, कर्म तो हर सूरत में आपको करने ही करने हैं, लेकिन ये कर्म आपके सार्थक हों, सार्थक के साथ में भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली का नवम भाव ये धर्म का भी भाव होता है और भाग्य का भी होता है। इसीलिए कहा जाता है, कुछ भी हो जाए अपने धर्म पर विश्वास जरूर कीजिए, अपने ईश्वर पर विश्वास जरूर कीजिए, तभी आपको उनका साथ मिलता है। धार्मिक बनिए, धार्मिक का मतलब ये नहीं होता कि घंटों घंटों पूजा पाठ करनी, इसको धार्मिक नहीं कहते हैं। कुछ देर अपने ईश्वर के सामने बैठिएगा जरूर, उनके समक्ष जाइए तो जरूर। आप सारा दिन अपने भाग्य को कोसते रहें, अपने लिए रोते रहें, ऐसा नहीं वैसा नहीं, उससे कुछ नहीं होता। 2 मिनट अपनी घड़ी अपने ईश्वर के सामने बैठिए और उनसे अपने मन के भाव कहिए, फिर कहिएगा कि आपका काम होता है या नहीं। तो आज मैं राशि अनुसार बताऊंगी कि आपको क्या शब्द अपने हाथ पर लिखना है। ये शब्द आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी डेली लिखना होगा, लगातार लिखना होगा, लिखते रहना होगा। अब ऐसा भी नहीं कि आपने 4 दिन लिखा मैम कुछ नहीं होता, 8 दिन लिखा मैम कुछ नहीं होता, इसको आपको रेगुलर वे पर लिखना होगा। 3 महीने बाद ही आपको इसके रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3 महीने इंतजार करना होगा। क्योंकि देखिए, एक जब आपने देखा है बच्चा होता है तो 40 दिन का आपके यहाँ सूतक माना जाता है, व्यक्ति मरता है तो 40 दिन का सूतक माना जाता है, यानी सवा महीना।
ये राशि ग्रह नक्षत्र जो परिवर्तन करते हैं ना, इसके लिए 1.25 महीने का टाइम दिया जाता है, उसके बाद इनके रिजल्ट आना शुरू होते हैं। सो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप इन प्रयोग करेंगे तो आपको कैसा भी आपकी कुंडली में त्रेता योग लगा हो, कोई भी जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, आपकी हल होना शुरू हो जाएगी, मार्ग मिलने लगेंगे, आपके लिए रास्ते निकल आएंगे और आपको उन रास्तों पर चलकर अपनी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। तो ये जरूर ही करिएगा, चाहे आपको अपनी लग्न पता हो, राशि ना पता हो। अगर आपको राशि पता है तब तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं पता है तो जो आपका प्रचलित नाम है, इस समय जो नाम है, उस नाम से नवा घर जो पड़ता हो बस उस राशि का नाम आप ले लीजिएगा। जैसे आपका नाम मान लीजिए अमर है तो ये हो गया मेष राशि। अब मेष राशि से नवा घर हो जाता है धनु राशि, और धनु राशि का शब्द होता है फल वाला फा। तो फा शब्द अगर डेली आप येलो कलर के स्केच पेन से या फिर हल्दी से अपने लेफ्ट हैंड पर यहाँ कहीं भी लिखकर छोड़ेंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलने लगे। अगर आपको अपनी राशि पता है तब तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं पता है तो इस नाम अक्षर से बनने वाली राशि, जैसे आ से मेष राशि बनती है, ला से मेष राशि बनती है और ई से मेष राशि बनती है, तो इस शब्द के जितने भी व्यक्ति होंगे वो फा फल वाला फा अपने हाथ पर लिखेंगे। वृष राशि वाले, जो वृष राशि के लोग हैं उनको अपने हाथ पर आपको लिखना है ज जलज वाला जा, जा जलज वाला जा। अब आप हैं कन्या राशि के, सॉरी मिथुन राशि के, तीसरी राशि आती है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। अब बुध के जो भाग्य के कारक जो ग्रह हैं बुध का, वो हो जाता है आपका आपके, जब मैं आपके सप्तम भाव पर जाती हूँ तो यहाँ पर आपके लिए नवम राशि आ जाती है। आपका भाग्य का कारक शब्द बनता है शा, शंकर वाला शा। तो आप शा शब्द लिखेंगे डेली अपने हाथ पर। यहाँ मैं कर्क राशि की बात करूँ तो कर्क राशि के लिए, क्योंकि कर्क राशि में आपके लिए भाग्य का कारक हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ आपको अपने हाथ पर लिखना है चंद्रमा वाला च, चंद्रमा वाला च। अब यहाँ मैं हर राशि के शब्द नहीं बोलूँगी, इसके लिए एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, सो आप प्लीज़ उसके लिए देख लीजिएगा कौन सी राशि के शब्द पर आती है, उसके हिसाब से मैं आपको शब्द बता रही हूँ, वो शब्द आपको लिखना है। अब मैं बात करूँ सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के व्यक्तियों को लिखना है आ, अमन वाला आ, आ शब्द लिखिए। कन्या राशि की बात करूं तो कन्या राशि के लिए लिखना है वा, वरुण वाला वा। इसके बाद आती है तुला राशि, तो तुला राशि के लिए शब्द बनता है कमल वाला का, कमल वाला का। इसके आगे मैं जाती हूं आपके लिए वृश्चिक राशि, तो यहां वृश्चिक राशि के लिए आपका जो शब्द बनता है वो बनता है आपके लिए हनुमान वाला हा, आपका शब्द है हनुमान वाला हा। अब बात मैं करती हूँ धनु राशि की, तो धनु राशि राशि के लिए जो लकी शब्द बनता है वो है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लिखना है। मकर राशि की बात करती हूँ तो मकर राशि के लिए जो शब्द आता है आपके लिए वो आता है आपके लिए पवन वाला पा, पवन वाला पा। कुंभ राशि की बात करूं तो आपके लिए आता है रमा वाला रा, रमा वाला रा। अंतिम राशि है मीन राशि, तो मीन राशि के लिए शब्द आता है नयन वाला ना, नयन वाला ना। यानी इन राशियों के लिए जो भाग्य को बढ़ाने वाले शब्द हैं वो ये शब्द हैं। अगर आप इन शब्दों को लिखते हैं, जैसे अगर आप मीन राशि के हैं, आप धनु राशि के हैं, तो इस शब्द को आप लिखेंगे रेड कलर के पेन से। अगर आप वृष राशि के हैं और आप तुला राशि के हैं, तो आप इसको लिखेंगे ग्रीन कलर के पेन से। आप कर्क राशि के हैं, रेड कलर के पेन से लिखेंगे। आप सिंह राशि के हैं, रेड कलर के पेन से लिखेंगे। आप मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, तो आप ब्लू कलर के पेन से लिखेंगे। दोस्तों, इन शब्दों को इसी अंक से लिखने से आपका भाग्य
आपका साथ देने लगता है, ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होती है, आपके अटके बिगड़े हुए काम आपके कुछ ही दिनों में आपके प्रयासों से सफल होने लगते हैं। करके देखिएगा दोस्तों, इतना इफेक्टिव है, इतना चमत्कारिक शब्द हैं ये जो मैंने आपको दिए हैं। आपको ये यहाँ पर आप YouTube पर ढूंढते रहेंगे, कहीं आपको ये ऐसे शब्द मिलेंगे नहीं। आपको ये मेरी खुद की खोज है जिसको मैंने निकाला है, और डेली इसीलिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, वो भी शब्द कुछ इसी तरह से आपके लिए काम करते हैं। सो इन्हें कीजिएगा जरूर, और फिर मुझे कमेंट में आकर लिख के बताइएगा कि आपको इनसे कितना लाभ मिला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। इसके साथ ही इसको शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भाग्य का रोना रोते रहते हैं, उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो ये एक शब्द लिख कर देखें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं जीवन में चल रही किसी भी समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि मैं इतने सरल आपको समाधान देती हूँ, कुंडली का विश्लेषण करती हूँ, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, किस पीरियड में क्या घटित हुआ। आपको सिर्फ मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस देना होता है, कोई डिटेल मत दीजिए, मेरे मुंह से सुनिए कि आपकी कुंडली क्या बोलती है। इसके साथ ही आपको मैं उसमें बहुत सारी ऐसी रेमेडीज देती हूँ, आपके कलर बताती हूँ, लकी शब्द बताती हूँ, लकी अंक बताती हूँ, क्या आपको खाना है, क्या आपको पूजा पाठ करनी है, किस तरह से आपको रहना है, किस कलर के आपको वस्त्र पहने, सब कुछ उसमें समाहित होता है, और इनको करने से आपके जीवन में लाइफ में परिवर्तन निश्चित आता है। सो इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा अपने अपनों के साथ में रहें। ऐसे ही किसी नए विषय के साथ मैं कल फिर आपके सामने हाजिर होंगी 3:11 पर। आप भी आना ना भूलें। धन्यवाद।